हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रैक्टिस नंबर 19 है और यह आपका वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र से, ये लास्ट वीडियो है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से। दोस्तों, जैसा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपकी फिजिकल एजुकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका वीडियो मैं सभी चैप्टर का, जो भी आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है एंड ओलंपिक है एंड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको प्रैक्टिस जरूर करा रही हूँ। यूथ कंपटीशन पूरा होने के बाद मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कराऊंगी। आप टेंशन ना लीजिए, डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, सभी जगह वैकेंसी आने वाली है, आपके लिए सुनहरा अवसर आने वाला है, जैसे कि BPSC Tier 4 भी आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि यूपी में, मध्य प्रदेश में बहुत लेट कर रहा है वैकेंसी के लिए, बट क्या ही करेंगे, वो तो हमारे बस में है नहीं। आपका जो है रेगुलर बेसिस पे आपको तैयारी करते रहना आपके बस में है। जहाँ भी वैकेंसी आए, अपना एक सीट लीजिए। एंड दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज के क्वेश्चन सेशन में बस 13 क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी 13 क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मैं कठिन लेवल पर क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, थोड़ा स्टेटमेंट बेस पर मिलाने वाला क्वेश्चंस, तो आप इरिटेट होकर भागिएगा नहीं, क्योंकि जब आपके एग्जाम में जब कठिन लेवल का क्वेश्चंस ही पूछा जा रहा है, इसी लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो मैं यही प्रयास करूँगी कि मिक्स क्वेश्चन हो, ईजी एंड मॉडरेट एंड कॉम्प्लिकेटेड तीनों प्रकार के क्वेश्चंस हो, जो आपके तीनों प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाएं कोष्ठक द्वारा हृदय की एक धड़कन के साथ बाहर निकले कुल रक्त की मात्रा को अधाती मात्रा यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, यानी द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सप्लेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल विद वन बीट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो दोस्तों, जब हमारे बाएं नीलर से रक्त जो है पंप करता है एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में, तो एक धड़कन में जितना रक्त पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जिसका मान होता है 70 ml, और एक मिनट में जितना रक्त पंप करता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट का याद करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है एक धड़कन में जितना रक्त पंप करता है, 70 ml होता है लगभग, और हार्ट रेट हमारा होता है, हार्ट बीट जो होता है एक मिनट में 72 बार। 70 और 72 का आप गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा, यानी कि 5.04 लीटर आपका कार्डियक आउटपुट होता है। ये कथन आपका राइट हो रहा है। बी क्या कह रहा है कि एक श्वास में उस वायु की मात्रा को अंदर खींचने और बाहर छोड़ने को हम श्वास मात्रा यानी टाइडल वैल्यू कहते हैं, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको हर वीडियो में अच्छे से मिलान कराया हुआ है। सबसे पहले ऐसे खींच लीजिए आप एग्जाम में भी ए बी सी डी, उसके बाद आपको अच्छे से मिलान हो जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि श्वास प्रणाली, आपको पता है श्वास प्रणाली क्या है, ग्रसनी और फेफड़ों से ये संबंधित है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे परिवाही प्रणाली यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त संवाहिनियों से, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम किससे रक्त प्रवाहित होता है पूरे बॉडी में, तो रक्त संवाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी का हो जाएगा 1, ठीक है, बी का 1 हो जाएगा। फिर आपका है मलोत्सर्ग प्रणाली, जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम करता है, ये जो प्रणाली होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो ये काम करता है अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी का 2। फिर आपका है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र किससे मिला बना होता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन से बना होता है, तो आपका डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार आपका क्या 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी कथन से रिलेटेड है, स्टेटमेंट्स बेस पे है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ, बस आप लगातार देखते रहिए।
क्वेश्चन नंबर ए है, अभिकथन ए है कि ऑक्सीजन ऋण व्यायामोत्तर ऑक्सीजन की खपत है जो मूल ऑक्सीजन खपत दर से अधिक होती है। बात सही है। ऑक्सीजन ऋण यानी कि ऑक्सीजन डेप्थ कहते किसे हैं कि जब आराम की स्थिति में हम 1 मिनट में जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं उसको नोट कर लेंगे, उसके पश्चात एक्सरसाइज या अभ्यास करेंगे, उसके बाद रिकवरी के दौरान 1 मिनट में जितना ऑक्सीजन की मात्रा को हम ग्रहण करेंगे इन दोनों को हम अंतर यानी कि घटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो ऑक्सीजन डेप्ट होगा। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि हम आराम की स्थिति में 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन ले रहे थे और एक्सरसाइज करने के बाद जस्ट रिकवरी में हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं 1 मिनट में, तो जो बचेगा वही आपका होगा ऑक्सीजन डेप्ट। तो ये आपका पता खपत जो है दर से अधिक होती है, ये राइट है। ठीक है, कथन ए आपका सही है। कथन तर्क इसके भी इसके तर्क में बी क्या कहा है, तर्क आर कि ऑक्सीजन ऋण वह ऑक्सीजन है जो आराम के दौरान वापस होती है, जो सामान्य अवस्था में उसी अवधि में खर्च हुई होती है या एकत्रित ऊर्जा को लौटाने में लगती है जो गतिविधियों के दौरान खर्च की गई होती है। तो ये दोस्तों सही नहीं है आपका तर्क, तर्क यहाँ पे सही नहीं है। तो ए सही है तथा तर्क आर गलत है, ए सही है तथा तर्क आर गलत है, तो ए सही है तथा आर गलत है, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्प ऑक्सीजन रक्तता में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो हाइपोक्सिया को हम अल्प ऑक्सीजन रक्तता कहते हैं। ठीक है, हाइपोक्सीजनेमिया यहाँ पे है, इन हाइपोक्सीजनेमिया लेस ऑक्सीजन रेज्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें फेफड़ों उत्तक में उत्तकों में यानी कि टिश्यूज में कम ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 99% होना चाहिए, यह 96% से कम हो जाए तो उत्तकों में ऑक्सीजन और रक्त की कमी हो जाती है जिससे व्यक्ति हाइपोक्सिया का शिकार हो जाता है। फेफड़ों के रोग होने पर सबसे पहले ऑक्सीजन का स्तर घटता है, जैसे कि हांफना, रक्त की कमी होना, कमजोरी, वीकनेस होना, इसके लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर एक्सहेल आफ्टर ए मिनिमम इंस्पायरेशन। तो इसे हम कहते हैं टाइडल वैल्यू। साधारण अवस्था में हम वायु को अंदर और बाहर लेते हैं आराम की स्थिति में, यानी कि वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वास श्वसन क्रिया में अंदर और बाहर ली निकाली जाती है उसे हम कहते हैं टाइडल वैल्यू। ठीक है, और एक होता है कम्प्लीमेंट्री एयर यानी कि पूरक वायु, यानी सामान्य श्वास के बाद यदि वायु और जोर से प्रवाह श्वास को लेकर फेफड़ों में ली जाए तो उसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एयर पूरक वायु। एक होता है सप्लीमेंट्री वायु, परिशिष्ट वायु, यानी गहरे श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालना है, एक्सपायरेशन यानी एक्सहेलिन करना है, वो सप्लीमेंट्री एयर कहलाता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अवशिष्ट वायु यानी पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन यानी वाह श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो बचा हुआ हवा रहता है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी कहते किसे कहते हैं कि इन सब को मिलाकर के वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर, कुल 4600 ml होता है। वाइटल कैपेसिटी होता है कि अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मिस्टेक लग रहा है, फिर आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल आफ्टर ए मिनिमम इंस्पायरेशन। मिनिमम मिनिमम शब्द लगाया है इसलिए टाइडल वैल्यूम ही होगा, अगर मैक्सिमम रहता अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है तो वो वाटर कैपेसिटी हो जाता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, टाइडल वैल्यूम वाटर कैपेसिटी में ये फेफड़ों की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन इंस्पायरेशन करके पूरे बल के साथ हवा
या वाह श्वसन द्वारा बाहर निकाली जाती है उसकी मात्रा को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसमें पूरे बल के साथ अंदर भी लिया जाता है, बाहर भी लिया जाता है, इसलिए वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी होता है। यहाँ पे मिनिमम इंस्पायरेशन कहा है, इसलिए वाइटल टाइटल वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द रेस्पिरेटरी सेंटर द कंट्रोल्स ब्रीदिंग लोकेटेड? तो आपको पता है यह हमारे जो जैविक क्रियाएं हैं, वाइटल फंक्शंस हैं, उसको नियंत्रित करता है कौन? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। और जैसे कि हमारा आत्म में क्रमांकुंचन गति, पाचन तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया आदि सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि यह जैविक केंद्र होता है एक प्रकार का, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, डाइजेशन, और किसी शब्द को ठीक प्रकार से उच्चारण करना, स्मूथ स्पीच, जठर मार्ग से स्त्राव होने वाले पदार्थों तथा प्रेरक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, जो फर्स्ट ब्रेन हिंड ब्रेन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मेरुरज्जु शीर्ष पर ही होता है आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्पाइनल कॉर्ड हेड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम जो अपना विधि है उसको अपनाते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का रक्त शर्करा है, ठीक है। तो ये आपका ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या है? ये आरबीसी में रहता है, जो ऑक्सीजन को अपने में ऑब्जर्व करता है, अब कोशिकाओं तक पहुँचाता है, तो ये आरबीसी में होता है, इसीलिए रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है, तो बी का 4 हो जाएगा। फिर आपका है डायफ्राम, जो आपको पता है कि जो हमारा फेफड़ा होता है डायफ्राम पर ही सधा रहता है, तो यह अंतर श्वसन की एक पेशी है, श्वास की पेशी है, द डायफ्राम अंतर श्वसन की एक पेशी है, सी का 1 हो जाएगा। और बचा क्या? हृदय, हृदय आपका हृदय हो जाएगा, डी का 2, ठीक है, डी का 2। इस प्रकार 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, स्टेटमेंट्स बेस पे है। अभिकथन ए है कि आंतरिक श्वसन कोशिका स्तर पर O2 और CO2 का विनिमय है। बात सही है, एकदम राइट है, 100% O2 CO2 का एल्वेओलाइज में विनिमय होता है। उसके बाद ज्यादा कहाँ है? कोशिकाओं के अंदर, जहां पे ऊर्जा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड बी क्या है, तर्क आर क्या है? कि ऑक्सीजन कृत रक्त महाधमनी के जरिए बायनिले से निकलकर महाशिरा के जरिए दाई कणिका से वापस आता है, या संचरण फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। ये भी बात सही है, लेकिन जो है ए जो काम बात कह रहा है उस बात को आर जो है सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। बात तो सही है जो कह रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली कैपिलरी और फेफड़ों की एल्वेओलाइज के बीच होती है, तो बात सही है। एंड डिफ्यूजन प्रोसेस गैसों का जो अदला बदली होता है, ट्रांसफर होता है, ये आपका फेफड़ों के एल्वेओलाइज में ही होता है। तर्क क्या कह रहा है? कि एल्वेओलाइज और कैपिलरी के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव अंतर के कारण ऑक्सीजन रक्त धमनियों में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो आपको पता है कि जो ये भी आपका तर्क, इसके एक के आधार पर बहुत अच्छा तर्क दिया गया है। आपको पता है कि जो आपका गैसें होती हैं, हवाएं होती हैं, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। तो होता क्या है कि फेफड़ों की जो कुपिकाएँ हैं यानी कि एल्वेओलाइज हैं, इसमें O2 और CO2 का विनिमय होता है, यानी जिसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस या विसरण प्रक्रिया कहते हैं। शुद्ध वायु पल्मोनरी सिराओं और अशुद्ध वायु पुनः इसी रास्ते बाह्य श्वसन द्वारा बाहर आ जाती है। प्रत्येक फेफड़ों में 300 या 400 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं,
कुपिका यानी कि एल्वोलाइज में पतली पतली रुधिर वाहिनियाँ का जाल होता है एल्वोलाइज में, जो इसकी बाहरी झिल्ली बहुत ही पतली और होती है, जो गैसों के विनिमय के लिए अनुकूल होती हैं। एल्वोलाइज में O2 का दबाव 100 mmHg और रुधिर वाहिनियों में O2 का दबाव 37 mmHg होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हवा या गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। इसका मतलब कि एल्वोलाइज में ऑक्सीजन की जो प्रेशर है उच्च दाब है और रक्त वाहिनियों में कम है, इसलिए जो है एल्वोलाइज से जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त वाहिनियों में जाने लगता है, जहाँ भी वहाँ पर का जो RBC का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होता है उसको अपने में ले लेता है, जिसे ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त वाहिनियों में जाने लगता है। वही भी उल्टा होता है कि कुपिकाओं में यानी एल्वोलाइज में CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो दाब होता है कम होता है और रक्त वाहिनियों में अधिक होता है। तो रक्त वाहिनियों अधिक दाब से निम्न दाब की ओर आता है, तो रक्त वाहिनियों से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाइज में आता है, एल्वोलाइज से फेफड़ों के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को गैसीय विनिमय कहते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान सांस अंदर लेते समय की अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। तो जैसा कि आप जानते हैं जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है तो हमारे फेफड़ों की स्थिति क्या होती है। सबसे पहले इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब इंस्पायरेशन यानी श्वास अंदर लेते हैं तो इंटरकॉशल मसल सिकुड़ती है और डायफ्राम नीचे चला जाता है, जिससे वक्ष गुहा प्रोलर गुहा वक्ष गुहा यानी फेफड़ों का जो आयतन होता है बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से फेफड़ों के जो अंदर का दबाव होता है हवा का वो कम हो जाता है और बाहर जो है अधिक दाब होता है और हवाएं जो हैं अब ऐसे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो बाहर की हवा फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है और हवा तब तक फेफड़ों में प्रवेश करती है जब तक कि बाहर और अंदर का वायु दाब बराबर न हो जाए। उसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा होता है एक्सपायरेशन, श्वास बाहर छोड़ते समय। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल्स फैलती है, डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम होता है और भीतर के फेफड़े के भीतर का वायुदाब वायुमंडल से 1 से 2 mmHg अधिक हो जाता है, जिससे भीतर की हवा बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पे सांस अंदर लेते समय सबसे पहले क्या होगा कि स्टर्नम आगे बढ़ेगा। स्टर्नम हड्डी जो होता है बीच का जो वक्ष का हड्डी है वह क्या होगा, सॉरी दोस्तों स्टर्नम यहाँ डायफ्राम का नीचे हिस्सा, डायफ्राम जो मसल्स होता है जिसपे हमारा फेफड़ा सधा होता है वो नीचे खिसकेगा। सबसे पहले डायफ्राम जो है डायफ्राम का नीचे खिसकना फूर हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा इंटरकॉस्टल मसल्स जिसके फेफड़ों की जो फेफड़ा होता है इसके ये है इसके बीच बीच में आपका इंटरकॉस्टल मसल जुड़ी होती है, ये क्या करती है सिकुड़ती है। तो जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो इंट्रोकॉन्सल मसल्स जो है सिकुड़ेगी, तो फोर के बाद हो जाएगा आपका थ्री, फोर के बाद आपका हो जाएगा थ्री। उसके बाद स्टर्नम जो है आगे बढ़ेगा, स्टर्नम क्या करेगा आगे बढ़ेगा, तो थ्री के बाद फाइव हो जाएगा। स्टर्नम आगे बढ़ने के बाद फेफड़ों का क्या होगा आयतन बढ़ जाएगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा और जो दबाव होगा वायु का वो कम घटेगा कम हो जाएगा। तो उसके बाद एक होगा, फिर क्या होगा अब दबाव घट गया आयतन बढ़ गया दबाव घट गया तो बाहर उच्च दाब है अंदर निम्न दाब है, तो हवा या गैसें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है तो वायु अंदर की ओर तीव्र प्रवेश करने लगता है, फिर टू हो जाएगा। इस प्रकार 4 3 5 1 2 4 3 5 1 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वास वायु निम्न अंगों से किस क्रम में गुजरती है। तो श्वास वायु जो है पहले नाक में जाती है, फिर फेफड़ों में जाती है, फिर हृदय में जाती है, फिर कोशिकाओं में जाती है, आपको पता है
तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तक ऑक्सीडेशन के दौरान रक्त में प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वह होती है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उत्तक ऑक्सीडेशन के दौरान रक्त में प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ संपर्क में लाल रक्त कोशिकाओं में बनी कार्बन मोनोऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन के एक साथ स्थित जटिल यौगिक बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की छोटी सी सांद्रता का एक्सपोजर शरीर में ऑक्सीजन देने के लिए हीमोग्लोबिन की क्षमता में बाधा डालता है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से अधिक आसानी से यौगिक बना देता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा गैसों का परिवहन होता है, ट्रांसफर ऑफ गैस, तो O2 का परिवहन कहाँ होता है, जैसे कि एल्वोलाइज में ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होने के बाद गैसों का ट्रांसफर होता है, मतलब अपने अपने जगह जाते हैं। तो O2 को तो ले जाता है हीमोग्लोबिन अपने में ऑब्जर्व करके कोशिकाओं तक, और CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बोमिनो एसिड के। दोस्तों, जैसे कि आपका ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बोमिनो यौगिक के रूप में और प्लाज्मा में घुलकर होता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है फेफड़ों की जो एल्वोलाइज से ऑक्सीजन रक्त वाहिनियों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक पहुंचकर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाता है तथा ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुँच जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाता है। इस प्रकार प्रति 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है और 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाता है। जो कीट वर्ग के प्राणी होते हैं उसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन के स्थान पर श्वसन रंगा पदार्थ हीमोसाइनिन पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ये हुआ आपका ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब बात करेंगे हम CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जो 3 चरणों में संपन्न होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में, प्लाज्मा में घुलकर, और कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है, यानी 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है तथा यह CO2 कोशिकाओं से कुपिकाओं में यानी कि एल्वोलाइज में पहुंच जाता है। यह रक्त के पोटेशियम व सोडियम के साथ मिलकर, यानी कि जो बाइकार्बोनेट है यह पोटेशियम के साथ मिलकर, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। एंड दूसरा परिवहन होता है प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है और 7% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल के रूप में कोशिकाओं से एल्वोलाइज में पहुंचता है। तीसरा परिवहन होता है कार्बोमिनो यौगिक के रूप में, 23% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमिनो यौगिक के रूप में कोशिकाओं से एल्वोलाइज में पहुंचता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिसंचरण तंत्र के अंगों को और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले नाक, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर फेफड़े, ये नोज, थ्रोट, ट्रैकिया एंड लंग्स में जाता है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और फेफड़े के बाद कहाँ जाता है, हृदय में जो है, जो पल्मोनरी धमनी होती है फेफड़ों में जाती है हृदय को रक्त को शुद्ध करने के लिए। तो फेफड़े से जो एल्वोलाइज से ऑक्सीजन लेकर के हीमोग्लोबिन, फिर आता है पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बायअलिंद में, फिर बायअलिंद से बायनीले में, बायनीले से एरोटिक वाल्व के रास्ते अब वो चला जाता है। रक्त जहाँ जहाँ पहुँचता है कोशिकाओं में, तो उसी रक्त के माध्यम से जो है चला जाता है ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं में, जहाँ जो है जो खाद्य पदार्थ हम खाए होते हैं उसका ऊर्जा बनता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन संपन्न होता है तो क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है।
तो इस प्रकार ये था आज के सेशन में 13 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।